जी आदाब सत श्री अकाल नमस्कार। औरंगाबाद में हैं और आप सब देख रहे हैं औरंगाबाद तक। देखते रहें, नाम न बदल जाए जब तक। कह नहीं सकते कब नाम बदल दे यार, इतना खूबसूरत नाम है औरंगाबाद। हमारी 3 पीढ़ियों से यही बोलते आ रहे हैं, उम्मीद करते हैं हम भी यही बोले हैं, हमारे बच्चे भी यही बोले। तो आप देखें औरंगाबाद तक। थैंक यू भाई जान। थैंक यू जी। देश से लेकर शहर तक हर पल की खबर, शहर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क औरंगाबाद तक। आज औरंगाबाद रिजाइनिंग की तारीख यहाँ पे थी बॉम्बे हाईकोर्ट में, और आज दोपहर से मैटर निकला था। अटॉर्नी जनरल साहब ने अपनी जो सारी बहस थी उसको कंप्लीट किया और मुकम्मल किया। उसके बाद अभी उनकी तरफ से, सरकारी पक्ष की तरफ से जो भी दलीलें थी वो सारी दी जा चुकी हैं। उन्होंने अपनी तरफ से कोर्ट को ये बताया कि किस तरीके से सरकार को ये अधिकार है ये सारा नाम बदल करने का, और उसके बाद जो है अभी वापस कोर्ट ने कुछ मुद्दों के ऊपर उस्मानाबाद के और औरंगाबाद के जो सीनियर काउंसिल्स हैं उनको अलाउ किया है कि वो आके अपनी बात रखें। तो अभी सैटरडे को, अपने कल और मंडे को फिर से औरंगाबाद के लोग अपने जो सीनियर काउंसिल, औरंगाबाद और उस्मानाबाद रीमीटिंग का जो मैटर था उसमें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अटॉर्नी जनरल के आर्गूमेंट कम्प्लीट हो गए हैं, और अब कोर्ट ने जो है तो रिप्लाई के लिए फिर से एक बार पिटिशनर्स के एडवोकेट के रिप्लाई सुनने के लिए उस तालुक से जो लॉ पॉइंट की बातें उन्होंने कही है उस तालुक से कल और मंडे का दिन मुकर्रर किया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो औरंगाबाद और उस्मानाबाद का रीनेमिंग का इशू है, अब हाई कोर्ट में इसकी जो आर्गुमेंट है वो कंक्लूड होने जा रहे हैं। एक बार पिटिशनर्स की तरफ से रिजॉइंडर में जो भी रिप्लाई बोलना है वो कल और मंडे के दिन होने के बाद इंशाल्लाह जल्द से जल्द उसका जजमेंट आने वाला है।